मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। भाई बहुत मस्कान यार, मजा आ गया सच में। अरे भैया तुम्हारा बैग तो पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी एक नई शॉर्ट फिल्म लेकर आऊँ जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड। किसे पता था ये घूमने का शौकीन मुसाफिर इन कहानियों को दिल दे बैठेगा। वाह उदय भाई वाह, बड़ा ही खूबसूरत रहा ये कहानियों का सफर। कहते हैं कि जिस पर आप कहानी लिख रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इस शॉर्ट फिल्म को लिखने के लिए मैं एक अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस और एक बेहतरीन कहानी चाहता था जो कि मैं आप सभी को सुना सकूं। और ट्रैवलिंग अभी भी मेरे लिए सवालों से भरी किताब थी, तो उन सवालों को अपने बस्ते में मैं निकल गया था कहानियों के सफर में। और पिछले कई दिनों से गांव के उन गलियों में, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, मैं बस इंतजार कर रहा था कि कोई आए और अपनी सफर दास्तां मुझे सुना दे और मुझे कुछ नया सीखने को मिले। और फिर मुझे एक भैया मिले जिन्होंने मुझसे कहा, चलिए मैं आपको बताता हूं आखिर हुआ क्या। बस चलिए क्या क्यों भाई, आप भी आ रहे हो जा रहे हो क्या? नहीं नहीं मैं बस एक कहानी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपकी बस में समय है तो आप ट्रैवलिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? अच्छा सुनो, ट्रैवलिंग एक कभी ना खत्म होने वाली किताब, हर रास्ता या एक नई कहानी सुनो। ज्यादा सोचिए मत, बस निकल कर। कहाँ? जहाँ दिल करे। जहाँ दिल करे। और मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ट्रैवलिंग वो किताब है जिसके सवालों के जवाब मुझे ट्रैवल करने से ही मिलेंगे। और ज़्यादा ना सोचते हुए मैंने एक सोलो ट्रिप प्लान करी। फिर इस सफर के बारे में जब मैंने अपने पिताश्री को बताया तो उन्होंने मुझसे कहा, चल तुझे कहीं घुमा के लाता हूँ। और फिर पिताजी भी हमारे साथ चल दिए। वाकई 6:30 बज रहे, हम बाजार और आसपास की कुछ बस्तियों में शूट करने जा रहे हैं और पिताश्री ने मुझसे कहा है कि वो अपने कुछ दोस्तों से मुझे मिलाएंगे। और मैं एक्साइटेड था कि अपने दिमागी गुल्लक में वो किस्से कहानियां बटोर के लाऊंगा और जब आऊंगा तो मेरे पास 100 कहानियां होंगी सुनाने। फिर मैंने देखा नामदेव जी अखबारों में कहानियां ढूंढ रहे थे, चाचा मंडी का हाल बता रहे थे, तो कोई गांव में हुए बदलाव की बातें कर रहा था, और ये दो दोस्त बचपन के कुछ किस्से कहानियां एक दूसरे को याद दिला रहे थे तो कुछ मुझे सुना रहे। और फिर इनसे रहा नहीं गया, अपने दोस्त के साथ एक तस्वीर इन्होंने भी खिंचवा ली। ये कहानियों के सफर की शुरुआत है। और पहले ही दिन मुझे ये पता चला कि मेरे पापा अपने जमाने के बड़े अच्छे डांसर हुआ करते थे। और पिछले 2 दिनों से हम निर्भयगढ़ जा रहे हैं क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत गाँव है, वहाँ के बच्चे बड़े ही प्यारे हैं और लोग भी। बच्चों से मिलकर मुझे मेरे बचपन की कुछ कहानियां याद आ। ये जो आप निशान देख रहे हैं ये अभिषेक भैया की देन है और इसकी कहानी बड़ी हंसा देने वाली। दिन के अभी 12 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं टकटिया चांदौल, जो कि हमारे घर से 20-22 किलोमीटर दूर था, और हम वहाँ पैदल जाने वाले और रात में हम वापिस भी आएंगे। पिताश्री ने कहा कि वो बड़ा ही खूबसूरत गाँव है और वहाँ उनके ही नहीं दादाजी के भी दोस्त मिलेंगे। मेरे धैर्य का बांध टूट चुका था वो जला देने वाली धूप, और हम बस चलते जा रहे थे। हम वहां पहुंच चुके थे, फिर एक चैन की सांस ली, एक कप चाय पी और थोड़ा आराम किया, और फिर निकल गए कहानियों के सफर। कागज के दो पंख लेके
उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे, उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा क्या मुनबोका मुंटा रे। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेस्ट एक्सपीरियंस था। टेक्निकल तो कुछ सीखने को नहीं मिला, लेकिन इन 10 दिनों ने मेरा नज़रिया बदल दिया। वहाँ से लौटने के बाद अगले ही दिन मैंने अपने दादाजी को उनके दोस्तों का हाल बताया और बदले में बहुत सारी कहानियाँ सुनी। किसी ने बड़ा खूब कहा है, फाइंड योर वाई एंड यू विल फाइंड योर वे, और सही रास्ता दिखाने वाले मेरे पिताश्री थे। इस सफ़र में उन्होंने मुझे हर चीज़ बारीकी से समझा, और इस कहानियों के सफ़र में ही नहीं, मैंने जो कुछ भी सीखा है अपने पापा से सीखा। फिर मैंने वो मोमेंट कैप्चर करा जो बड़ा ही खास होता है, हर एक लड़के का सपना होता है। शॉट तो सिर्फ एक बहाना था, मुझे तो उन्हें गले लगाना था। थैंक यू सो मच पिताश्री, उन सभी चीज़ों के लिए जो आपने मेरे लिए करा। ये कहानियाँ मेरे दिमाग की गुल्लक से काफ़ी बड़ी हैं, शायद इसलिए ये गुल्लक छोटी पड़ गई, लेकिन उन कहानियों को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, याद रखना चाहता हूँ इस सफ़र को। इसलिए इन कहानियों को मैंने अपनी खूबसूरत किताब को सौंप दिया, ताकि ये कहानियाँ हमेशा मेरे पास रहें, याद रहें। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सच में आपको कहानियाँ सुनना या सुनाना पसंद है, सिर्फ एक कहानी के लिए उन रास्तों पर भटकना पसंद है, तो निकल जाइएगा कहानियों के सफ़र में, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले और आपका नज़रिया बदल जाए। फिर आपको पता चलेगा कि स्टोरी टेलिंग आर्ट नहीं, मैजिक है, जो आपको नए लोगों से नहीं मिलाता, आपको अपनों से मिलाता है, खुद से मिलाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए सफर में एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।